नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ओके क्रेडिट ऐप की मदद से किस तरह से आप अपने बिजनेस के रिकॉर्ड को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको ओके क्रेडिट ऐप की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। कस्टमर को सामान बेचे हैं तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, अगर आप सप्लायर से सामान लिए हैं तो उसकी एंट्री कैसे मैनेज करनी है, तो आइए जानते हैं वीडियो में। तो अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ गया। होम स्क्रीन पर आने के बाद अब मैं अपने मोबाइल फ़ोन में ओके क्रेडिट ओपन करता हूँ। तो यहाँ से ओके क्रेडिट ओपन हो गया और सबसे पहले आपसे यहाँ पे सिलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन मांगेगा। तो यहाँ पे आप जिस भी लैंग्वेज में इसे यूज़ करना चाहते हैं वो लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ मैंने इंग्लिश पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर इंटर करना होगा। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर दिया और मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद आपको राइट वाले ऑप्शन पर यानी कि ओके पे क्लिक कर देना एक तरह से। तो आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे नंबर पर ओटीपी आ चुका और यहाँ पर फिल हो चुका। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नंबर इंटर किया, नंबर इंटर करने के बाद ओटीपी उस नंबर पे आया जो ऑटोमेटिक फिल हो गया और यहाँ पे अब ओके क्रेडिट का प्रोसेस चालू हो गया हमारे सामने। तो यहाँ पे स्टार्ट पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपसे कुछ परमिशन मांगता है ये, जहाँ पर आपको फुल डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर कह रहा है ऐड योर बिजनेस एंड शॉप नेम। तो आप बिज़नेस या शॉप नेम क्या फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं अपना बिज़नेस नेम देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिज़नेस नेम दे दिया। अब ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ओके क्रेडिट के होम पेज पे एक तरह से आ गए सिंपली। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से आपको कैसे ओके क्रेडिट को यूज़ करना है, अगर आप सप्लायर या कस्टमर की एंट्री करते हैं तो इसमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने अकाउंट पर क्लिक कीजिए और अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना। और इस पर क्लिक करने के बाद अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले यहाँ पे अपने बिज़नेस का या आप अपना पिक्चर लगा दीजिए और यहाँ पे आपका बिज़नेस किस प्रकार का है, बिज़नेस का नाम क्या है, यहाँ पे सारी डिटेल फिल कर दीजिए। यहाँ पे जीएसटी नंबर है, अगर आपका बिज़नेस का जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर जीएसटी नंबर अपडेट कर दीजिए। तो ये सारी प्रक्रियाएँ कम्प्लीट करने के बाद आप बैक आ जाइए। बैक आने के बाद अब आपको ओके क्रेडिट के होम पेज पर तीन ऑप्शन मिलेंगे, लेजर, मार्केटिंग एंड सेटिंग। तो हम लेजर से स्टार्ट करते हैं। लेजर में आपको कस्टमर एंड सप्लायर का ऑप्शन मिलेगा। कस्टमर वो होगा जैसे आपने बिजनेस कर रखा है, जो आपसे सामान लेता है, जिसको आप सामान देते हैं, और सप्लायर वो होगा जो आपने बिजनेस कर रखा है और अपने बिजनेस के लिए जिससे आप सामान लेते हैं और वो आपको अगला सामान देता है, वो सप्लायर हो गया आपका। तो हम कस्टमर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा कोई कस्टमर है और फिर अब हमने इसको सामान दिया, तो उसके लिए हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ऐड कस्टमर का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर आपके फ़ोन में मोबाइल नंबर उसका सेव है तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड मेनुअली का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी इंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे मोबाइल नंबर में उसका नंबर सेव है, तो यहाँ से मैंने ले लिया एक कस्टमर और यहाँ पर ये मेरा कस्टमर आ गया। अब जैसे ये मेरा कस्टमर है, हमने इसको कितने का सामान दिया, तो हमने इसको सामान दिया तो यहाँ पर रेड ऑप्शन मिलेगा गिवन। तो आपने कस्टमर को जो भी सामान दिया यहाँ पे गिवन का ऑप्शन है, अब यहाँ गिवन पे क्लिक करेंगे। गिवन पे क्लिक करने के बाद जैसे कि मैंने इसको 500 का सामान दिया, तो यहाँ पे मैंने 500 इंटर कर दिया। अब यहाँ पे किस डेट में दिया, डेट पे क्लिक करेंगे, तो मैंने 22 तारीख के डेट ले लिया। तो यहाँ पर आप डेट ले सकते हैं कि जिस भी डेट में आपने उसको सामान दिया जितने भी रुपये का, यहाँ पर वो अमाउंट टाइप कर दिए, यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ ऐड बिल का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना। अगर आपके पास बिल है तो यहाँ पर बिल आप अटैच कर सकते हैं। यहाँ क्रिएट बिल पर क्लिक करेंगे और क्रिएट बिल पे क्लिक करने के बाद आपने उसको क्या क्या सामान दिया, यहाँ पे हम सामान की एंट्री करेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे कुछ सामान की एंट्री करता हूँ, तो जैसे ये मेरा कस्टमर था, इसको मैंने 500 का सामान दिया, 300 रुपये का यहाँ पे ऑयल मैंने ऐड कर दिया और 200 रुपये का यहाँ पे मैंने साबुन ऐड कर दिया। अगर और भी सामान ले रखा है तो ऐड आइटम पर क्लिक करेंगे और ऐड आइटम पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप नेक्स्ट आइटम ऐड कर सकते हैं और उसका बिल बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं आप जनरेट बिल पे क्लिक करता हूँ। जनरेट बिल पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे बिल जनरेट हो चुका है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 300 रुपये का इसने तेल लिया और 200 रुपये का साबुन, टोटल 500 अमाउंट बन गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ग्रीन वाले ऑप्शन पर यानी राइट पर क्लिक कर देने हैं। राइट पर क्लिक करने के बाद आप इसको SMS के जरिए अलर्ट कर सकते हैं। अगर ऑन कर देंगे तो उसके मोबाइल नंबर पर SMS जाएगा ओके क्रेडिट के थ्रू, अगर इसको ऑफ करेंगे तो कोई नोटिफिकेशन नहीं जाएगा उसके पास। सेव पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप सेव पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे उसकी एंट्री हो चुकी कस्टमर की, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस ड्यू यहाँ पे 500 दिखा रहा है, अभी हमें कुछ नहीं मिला। यहाँ पे आप सेट ड्यू डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, फिर बैक आते हैं। इसी तरह से आप दूसरे कस्टमर की एंट्री कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने इसको 500 रुपये का सामान दिया और यहाँ पर टोटल अभी पेंडिंग 500 दिखा रहा है,
अब इसने अगर हमें कुछ पैसे पे किया तो उसकी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे, फिर इस पर क्लिक करेंगे इस कस्टमर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं फिर यहाँ पे इसने हमें 300 रुपये, मान लीजिए कि इस सामान के जो बिल बने थे 500, 300 रुपये इसमें से हमें मिल गए। तो यहाँ रिसीव यानी कि प्राप्त में रिसीव पे क्लिक करेंगे, और रिसीव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 300 की हम एंट्री कर देंगे। अब बिल भी क्रिएट कर सकते हैं कि किस आइटम के थ्रू ये 300 रुपये हमें मिले, तो यहाँ क्रिएट बिल पे क्लिक करेंगे। और जैसे हमने ऑयल दिया था 300 का, तो यहाँ पे मैंने ऑयल पे क्लिक किया और यहाँ पे 300 अमाउंट इंटर कर दिया, तो ये जो तेल का पैसा था 300 इसने हमें वापस कर दिया। बाकी अभी 200 रह गए, यहाँ पे बिल जनरेट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं 300 रुपये का। और अब हम क्या करेंगे, डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अब कितना ड्यू रह गया, 200 रह गया। तो इस तरह से आप कस्टमर की एंट्री कर सकते हैं। अब आते हैं सप्लायर पे। सप्लायर वो होता है जैसे हमने बिजनेस कर रखा है और जो हमें सामान देता है, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ ऐड सप्लायर पे क्लिक करेंगे। अगर आपके फ़ोन नंबर में उसका नंबर ऐड है तो यहाँ से आप सप्लायर को यूज़ कर सकते हैं, वरना आप ऐड मैन्युअली भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सप्लायर को यूज़ कर लिया अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से, और ऐड करने के बाद जैसे कि अब ये सप्लायर है तो हमें सामान देगा, यानी कि एक तरह से ये हमें पैसे दे रहा है सामान के थ्रू, ठीक है। तो ये हमें कितना क्या दे रहा है, कितना दे रहा है, तो इसकी एंट्री करने के लिए रिसीव पे क्लिक करेंगे। तो रिसीव पे क्लिक करने के बाद क्योंकि हम सामान ले रहे हैं तो अमाउंट हमें एक तरह से उसका प्राप्त हो रहा है, अमाउंट हमारे पास उसका खड़ा हो रहा है, तो ये हमें रिसीव होगा। जैसे कि 1000 का सामान दिया तो हमने 1000 की एंट्री कर दी यहाँ पे ऐड। अब किस डेट में ये सामान दिया हमें डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐड बिल का ऑप्शन मिल जाएगा, ऐड बिल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बिल जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं 1000 की एंट्री कर दिया सप्लायर के थ्रू, और यहाँ पे डन पे क्लिक कर दिया। तो अब सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस सप्लायर के थ्रू हमारे पास कितना 1000 अमाउंट खड़ा हो गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि इस सप्लायर से हमने 1000 का सामान लिया और कुछ दिन बाद मैं इसको कुछ रुपए लौटा रहा हूँ, तो फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या है, जस्ट ऑपोजिट है सप्लायर में। अगर हम कस्टमर को सामान बेचते हैं तो गेव पे क्लिक करते हैं, अगर यही हम सप्लायर से सामान लेते हैं तो रिसीव पे क्लिक करते हैं और वहाँ पर एंट्री करते हैं। अब 500 रुपये 1000 में से मैं लौटा रहा हूँ, तो अब गेव पे क्लिक करेंगे, और गेव पे क्लिक करने के बाद जैसा कि यहाँ पर मैंने 500 की एंट्री कर दी, और किस डेट में लौटा रहे हैं यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो टोटल अमाउंट जो सप्लायर का खड़ा हुआ हमारे पास 500 रुपये, हमने 500 का उसको वापस कर दिया, ठीक है, टोटल 1000 था। इस तरह से आप ओके क्रेडिट में बहुत ही आसानी से कस्टमर और सप्लायर की एंट्री कर सकते हैं। अब इसमें आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है ये मार्केटिंग का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। और आपने ओके क्रेडिट पे जो भी कुछ है अपना बिजनेस या डिटेल फिल कर रखा है, अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से आप व्हाट्सएप के जरिए उन्हें इनवाइट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग के जरिए अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप एक दूसरा बिजनेस इसमें ऐड करना चाहते हैं तो क्रिएट ए बिजनेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एक दूसरा बिजनेस इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर बैक आ जाते हैं, और बैक आने के बाद अब यहाँ पे मैं होम पे आ गया। होम पे आने के बाद यहाँ पे आपको सर्च बार के साइड में एक होम का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि कस्टमर का जो खाता है ये कितना अमाउंट बन रहा है, और जो सप्लायर का है टोटल कितना अमाउंट बन रहा है। तो यहाँ से आप कस्टमर का और सप्लायर का दोनों का देख सकते हैं कि कितना अमाउंट अभी बन रहा है जो हमें लेना है और जो हमें सप्लायर को पे करना है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।